वेलकम टू द रंग तरंग माह के संग एपिसोड। आज जैसे आपने लास्ट वीक प्रोग्राम देखा और बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखे, हमने ये सोचा कि हर हफ्ते आपको एक बहुत ही मेलोडियस सेलिब्रिटी से मिलवाएं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी कोशिश रहती है कि म्यूज़िक रिलेटेड लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं, और आज हमारे जो स्टूडियो में आने वाले हैं, इंडिया से कनेक्ट करने वाले हैं, वो कौन है ये एक ब्रेक के बाद देखते हैं। यानी आपको एक छोटी सी झलकी दिखाती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ और किस से आप लोगों को मिलाने वाली हूँ। देखते हैं आज का रंग रंग तरंग महा के संग में। जो पूरी कंट्री को अपने साथ गवाए, और मुझे लग रहा है आज पूरी कंट्री तुम्हारे साथ गाने वाली है। कि विशाल ले आया बोचाल, ऑल द बेस्ट। एक तो तुमने गाना गाया मेरी पसंद का गाना, ऊपर से उसको इतना अच्छा निभाया, यू डिड अ वेरी गुड जॉब। विशाल कोठारी वाज रॉकिंग। विशाल कोठारी इज द बेस्ट। अगर आप विशाल के फैन हैं तो आपने उनके सारे शोज अटेंड किए होंगे, पर अगर वक्त की कमी या उस वक्त पॉकेट मनी की तंगी की वजह से शोज मिस कर दिए हैं तो कोई गल नहीं, सिर्फ आपके लिए वेलकम टू द रंग तरंग माह के संग प्रोग्राम। जैसे बोलते हैं ना पंछी गगन विशाल, उसी तरह विशाल जैसी कोई बड़ी हस्ती हमारे प्रोग्राम में आज आई है। इतनी सुरीली आवाज़ के से आपको हम मिलाएंगे आज, और लेट्स वेलकम विशाल कोठारी, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर एंड इंडियन आइडल एंड सारे गमा पा फेम। वेलकम विशाल। नमस्कार, आप सभी को मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू। आई वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ऑल माय लिसनर्स एंड ऑल माय व्यूअर्स। थैंक यू विशाल फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू यू ऑन सुरसागर टीवी, वन ऑफ द बेस्ट चैनल इन कैनेडा। तो आपकी जो म्यूजिकल जर्नी है, आई नो दैट यू आर अ प्लेबैक सिंगर, आप अपनी जो टैलेंट है पैशन ऑफ म्यूजिक को आपने अच्छी तरह पहचाना और आगे बढ़े, और बहुत सारी पढ़ाव आपने पास किए और आगे इस मुकाम पे पहुंचे। तो थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बताइए, आपका जो इंटरेस्ट है, झुकाव है जो म्यूजिक में, वो किस तरह हुआ और आपने अपने टैलेंट को अपने आप में कैसे पहचाना? जी, शुरुआत सबसे पहले तो I don't belong from a musical background. मैं एक musical परिवार से नहीं हूँ, एक business family से belong करता हूँ, जहाँ पर music का M या you know सारे गामा का सा भी कोई नहीं जानता या कोई नहीं सुनता। So it all started from my school days, where one of my teachers, he was a singer. Okay. So I used to get inspired from him. Is it fine, right? If I talk in English or Hindi, both is fine. Okay. तो मेरे जो टीचर थे, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता था। He used to sing and he used to teach as well. He was a math teacher. Okay. And he was a singer as well. He was a passionate singer. तो उनकी सिंगिंग से मैं बहुत इंस्पायर होता था। Okay. और स्कूल के बाद, बट मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि मैं खुद भी गाऊंगा, बट मन ही मन अंदर ही अंदर मुझे सुनना पसंद था गाने। तो आई यूज टू लाइक रफी साहब अ लॉट। टिल व्हेन आई गॉट इन माय कॉलेज, मेरे कॉलेज के दिनों में, देन आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन माय कॉलेज कॉम्पिटिशन, वेयर रफी साहब वॉज आफ्टर माय टीचर। एंड देन कोई लेजेंडरी सिंगर में रफी साहब ऐसे मेरी जिंदगी में
यू कैन से इस तरह से वो चिपक गए मुझे कि मैं दिन रात उनको सुनने लगा एंड देन आई स्टार्टेड सिंगिंग हिज सॉन्ग एंड यू नो वेरी वेल विदाउट ट्रेनिंग माई सेल्फ जस्ट लिसनिंग एंड सिंगिंग हिज सॉन्ग ओके सो आई स्टार्टेड यू नो विनिंग लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन माई कॉलेज एंड बस वहीं से सिलसिला शुरू हुआ तो आई कैन से मेरा मेजर जो इंस्पिरेशन है वो है रफी साहब ओ वेरी गुड बहुत सो के इंस्पिरेशन हैं रफ़ी साहब तो मतलब एक ऐसी एक हस्ती हैं वो बस जो इस दुनिया से जाने के बाद भी फिजिकली आज भी सबके दिलों में वो राज करते हैं बिल्कुल तो विशाल आप बताइए जैसे सारेगामा पा जैसी रियलिटी शो में वो एक्चुअली वो पहला वाला शो था आपके लिए बाद में आपने इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया तो सारेगामा पा की सिलेक्शन कैसी हुई आपको आपको आपने किस तरह पार्टिसिपेट किया आपकी पहली सिलेक्शन वहां पे कैसी हुई देखिए उस वक्त मैं इतना परिपक्व नहीं था एज अ सिंगर मुझे कुछ गिन के 30 से 25 गाने आते थे राइट और वो भी रफी साहब के मेजोरिटी और मुझे तभी मेरी एज मतलब मेरी कॉलेज में मैं तभी करीबन रहा हूंगा 14-15-16 साल का उस वक्त मैं जब रफी साहब के ऐसे से गाने गा रहा था तो एवरीवन यूज्ड टू यू नो रियली शॉक के इतना छोटा लड़का रफी साहब के गाने कैसे गाता है यू नो या तो मैं दर्द भरे भी गाने गाता था उस वक्त और हैप्पी भी गाता था मुझे लोग मेरे गाने सुनने के बाद ऐसे उनको लगता था कि शायद पता नहीं इसको बहुत ज्यादा दर्द होगा इसलिए दर्द भरे गाने गाता है बट आई रियली यूज्ड टू लाइक द क्लासिक क्लासिकल पार्ट था जो क्लासिक था रफी साहब का वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था इसलिए मैंने उनके जितने भी क्लासिकल सॉन्ग है या जितने भी मेलेडियस और जिसमें दो सॉन्ग कैन बी कॉल्ड क्लासिक सॉन्ग वो मैं बहुत अच्छी तरह से मैंने याद कर लिए थे उसे देन जैसे एड्स आती है टीवी पे या किसी के रेफरेंस के थ्रू मुझे इतना याद नहीं है किसी के रेफरेंस के थ्रू मैं ऑडिशन देने गया तो वहां पे मुझे सिलेक्ट कर लिया गया एंड वो जो शेड्यूल था सारेगामा का वो आफ्टर सोनू निगम जब शान आया था वापस तो शान ने एंकरिंग शुरू की थी दैट वाज द वन व्हेन आई या पार्टिसिपेटेड एंड इन दैट आल्सो मेजॉरिटी आई सैंग रफी साहब सॉन्ग ओके तो और उस दौरान ऐसा होता था देयर वर रोल ओवर कॉन्टेस्ट मतलब एक कंटेस्टेंट जो है वो एक एपिसोड दो एपिसोड तीन एपिसोड को 10 तक जीत सकता है मतलब 10 वाज द मैक्सिमम सो मेरी कंपटीशन एक सिंगर से हुई जो ऑलरेडी 5 एपिसोड जीत चुका था और उसके बाद मैंने उसे डिफीट किया देन आई वन 4 एपिसोड एंड देन उसके बाद बस मैं 4 ही जीत उसके बाद मैं आगे नहीं गया दैट वॉज माई फर्स्ट एज अ सिंगर मेरे फैमिली ने भी मुझे पहचाना और देखा कि ये गाता है वो तो रियली शॉक थे कि मैंने कब गाना सीखा और कब मैंने गाना शुरू कर दिया तो देवर भी रियली शॉक और सारेगामा तो ये था जहाँ से मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला जहाँ मुझे पता चला कि यू नो आई कैन परस्यू म्यूजिक और मैं आगे इसको परस्यू कर सकता हूँ वेरी गुड तो आपको ये आप हमें ये बताइए ये बहुत ही लाइक हमें जानना है क्यूरियोसिटी है कि आप जब पहली बार ऑडिशन में सारेगामा पा में गए तो आपने जजेस के सामने कौन सा पहला वो गाना गाया जिससे जजेस बहुत इम्प्रेस हुए आपके उस गाने से क्या होता है जजेस आपको हर तरीके से हर वेरिएशन सुनना चाहते हैं आपसे जी जी बट मैंने शुरुआत तो रफी साहब के गाने से ही थी मैंने ये सॉन्ग गाया एहसान तेरा हो गा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा हो गा मुझ पर ब्यूटीफुल पता नहीं लोगों इस गाने ने किस पे क्या एहसान किया लेकिन आज आपने ये गाना सुनाकर हम पे बहुत एहसान कर दिया और हमारे लिसनर्स को भी
बहुत ही सुरीली आवाज है विशाल जी आपकी, और जैसे मैं अभी आगे बढ़ते हैं आपकी जो आगे वाला पड़ाव जैसे सारेगामा पा में ऐसा कोई मकाम आया कि आपको बहुत तकलीफ या बहुत टफ लगा कंपटीशन, आपको लगा बहुत मतलब आप एकदम स्ट्रेसफुल हुए, ऐसा कोई मोमेंट आया कि आप, या तो फिर सब कुछ ही बहुत स्मूथ था, मतलब ये एक्सपीरियंस तो शेयर कीजिए। नहीं होता, जो मेरी वजह थी जो मैं फोर्थ एपिसोड में आउट हुआ उसमें मेरे साथ जो कॉम्पिटिटर था और जो जजेस थे, एक्चुअली वो आउट भी कैसे हुआ, इट वॉज अ टाई। ओके। और टाई होने के बाद में जजेस ने मेरे ख्याल से सावन कुमार जज थे, सावन कुमार म्यूजिक डायरेक्टर ने लिरिक्स सावन कुमार टाकिया, सावन कुमार जी को, सावन को आने दो उनका गाना भी है, सावन को आने दो समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने टाई होने के बाद हम दोनों को ये गाना गाने को कहा। I don't remember exactly which song. So, मुझे वो नहीं पता था गाना, and मेरे जो competition में मेरे जो participant था, मेरा competitor, उसको वो गाना पता था। अच्छा। So somehow उसको already पता था और मैंने उसकी वक्त वो गाना सुन के गाया। Okay. So इसलिए he won the battle and so उस वक्त मुझे लगा you know कि experience की कमी थी, क्योंकि मैंने तभी तभी शुरुआत किया था गाना गाना और मुझे कुछ ही गाने आते थे, बहुत ज्यादा गाने आते नहीं थे मुझे। ओके। सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, जो कुछ भी मुझे मिला या जो कुछ भी थोड़ी बहुत भी फेम या थोड़ी बहुत भी जो प्रशंसा मिली मुझे, वो दैट वाज मोर देन एनफ फॉर मी, एटलीस्ट उस लेवल पे। और तभी बीइंग यू नो कमिंग फ्रॉम अ नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड, या पर आपकी आवाज बहुत अच्छी है, ऐसे कोई नहीं कह सकता कि आपकी जो आप किसी नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका जो ये सारेगामा पा की जो फेम के बाद आपने, आपको इंडियन आइडल में भी मौका मिला जाने का, तो आप क्या लाइक इस बात से सहमत हैं कि क्या मतलब ये बात, आई शुड पुट इट इन दिस वे कि जो आप ऑलरेडी जीत चुके हैं एक तरह के रियलिटी शो, और दूसरे चैनल्स भी इस तरह के रियलिटी शोज करती हैं, तो व्हेन यू अब से दैट यू ऑलरेडी वन इन लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर रियलिटी शो दूसरे चैनल के आने से, क्या वो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्फ्लुएंस करता है सिलेक्शन होने के लिए, या फिर आपकी आवाज़ या आपकी बाकी जो रियल टैलेंट ही मैटर करती है, या दिस काइंड ऑफ फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस टू गेट यू इन टू द अदर कॉम्पिटिटिव सीजन्स जो दूसरे चैनल्स करते हैं? वेल या ऑफकोर्स, अगर आप एक चैनल पे आपका फेस वैल्यू अच्छा बन चुका है एंड ऑफकोर्स आपको जब जब सब जानते हैं आप टीवी पर आ चुके हो, तो दूसरे चैनल वाले भी आपको जानते हैं, जानते हैं डेफिनेटली, एंड देन वो आपको हेल्प करता है कहीं ना कहीं तरीके, राइट? अगर मैं फॉर एग्जाम्पल जी टीवी सारेगामा पा में आया था, उसके बाद इंडियन आइडल जो कि सोनी का ब्रांड है, बट उसके बीच में गैप काफी था, 2002 में मैं सारेगा में आया था, एंड देन 2000 गैप एज इन दो तीन साल का गैप था, तो आई मीन जजेस को तो जब मैंने ऑडिशन दिया सारेगामा में, सॉरी इंडियन आइडल में 2005 में, दैट वाज द फर्स्ट इंडियन आइडल, जो पहला रियलिटी शो, पहला इंडियन आइडल, मतलब इस फॉर्मेट का, जिस फॉर्मेट के रियलिटी शो होते हैं, सारेगामा पा तो एक यू नो सदियों से चला आ रहा है, उसको हम इससे कंपेयर कर ही नहीं सकते आज के रियलिटी शोज है और जो इंडियन आइडल है, और उससे सारेगामा पा का स्तर अलग ही है, वो अलग ही मैं मानता हूँ वैसे। इंडियन आइडल और ये जो है वो मुझे लगता है कि गाने के साथ साथ में आपका परफॉर्मेंस, आपका एक्सपेक्टर, आप यू नो आपका दिखावा, आपका वो सारी चीजें भी काउंट करता है, प्रेजेंटेशन सब कुछ काउंट करता है, बट सारेगामा इज ओनली अबाउट योर कोर टैलेंट। दैट्स हाउ यू डिफरेंशिएट, जैसे हमारा साउंड बदल रहा है, हमारा टाइम बदल रहा है, हर चीजें बदल रही है, देखना बदल रहा है, सोचना बदल रहा है, वैसा सारेगामा में भी धीरे धीरे अपने आप को बदला, एंड यू कैन सी अभी ये आप पहले तो सोनू निगम के टाइम पे हम सिंगर्स देखते थे जो सिर्फ खड़े रखे जाते थे, आज तो लोग गाते हैं, परफॉर्मेंस भी, मतलब परफॉर्म भी करते हैं और गाते भी, वो दोनों होता है। तो जब मैंने इंडियन आइडल में ऑडिशन दिया, तो अगेन इट वाज अ 2-3 इयर्स ब्रेक फॉर मी, मैंने फिर यू नो गाने पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया उसके बाद में, एज एन आई वाज
engrossed in my family business as well and you know my college as well. Study. Okay. But yeah, कहीं ना कहीं पीछे था back of the mind मेरे कि मुझे of course गाना ही करना है, गाना ही करना है. I don't want to go into my family business. So then I started learning classical music also just before Indian Idol. Okay. तो अभी आप सीख रहे हैं या मतलब आप अभी भी मतलब टच में हैं, कुछ क्लासेस ले रहे हैं? सारे गामा में सारे मुझे वो सराउंडिंग मिल गया. ओके. म्यूजिक का माहौल जो कि मुझे घर पे नहीं मिलता था या कहीं और नहीं मिलता था कॉलेज में. ओके ओके. और माहौल मिलना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से. वेरी इंपॉर्टेंट. यस वेरी इंपॉर्टेंट. तो रहते हो यू नो बट माहौल जिस माहौल में आप पूरे सुबह से शाम रहते हो वो बहुत मैटर करता है. तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त बन गए थे म्यूजिकल दोस्त जिनके साथ मैं उठता बैठता था. ओके. जिनके साथ मेरा यू नो रियाज और हर चीजें होती रहती. देन वी ऑल डिसाइडेड कि जब नया हमने टीवी पे एड देखी कि ऐसे ऐसे इंडियन आइडल आ रहा है और हम सब लोग सोनू निगम के बहुत बड़े फैन थे. ओके. अगेन सोनू निगम सेम लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे थे. रफी साहब एंड यू नो ही इवन ही इज अ वंडरफुल आई मीन ही इज ऑफ कोर्स अ वंडरफुल सिंगर. ही इज आल्सो इंस्पायर्ड बाय रफी साहब. तो हम साथी सोनू जी से बहुत प्यार करते हैं एंड ऐसा पहला रियलिटी शो इसके लिए हम सब क्रेजी हो गए थे कि हमको इसमें जाना है. तो वैसे हमने मेरे साथ जो और भी दोस्त थे सारे काम आके वो हम सब मिलके हमने ऑडिशन दिया इंडियन आइडल में जाकर. ओके ओके. एंड देन उस तरह से शुरू हुआ. बट मेरे केस में ऐसा हुआ कि पहले ऑडिशंस में मैं सिलेक्ट नहीं हुआ. ओके. okay? okay. तीन दिन का ऑडिशन था इंडियन आइडल का बॉम्बे में. फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड फर्स्ट डे में नहीं हुआ. ठीक है. तो मैं वापस सेकेंड डे गया. सेकेंड डे भी नहीं हुआ मैं. और ये जो प्री ऑडिशंस होते हैं दीज ऑडिशंस आर बिफोर टेकन बाय सम मे बी म्यूजिकल और नॉन म्यूजिकल पीपल. ओके. ऑडिशंस आर बिफोर द सोनू निगम जो ओरिजिनल जो सेलिब्रिटी जजेस आते हैं उससे पहले की ऑडिशन होती है. उसके पहले जो आपके जो राउंड होते हैं. या ये वो राउंड होते हैं. तो उसमें फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट नहीं हुआ. सेकेंड डे भी सिलेक्ट नहीं हुआ. थर्ड डे में सिलेक्ट हुआ. एंड ये मेरी किस्मत थी अच्छी. So, third day में select हुआ. उसके बाद then I was in front of the main judges. उन्होंने कहा अनु मलिक एंड तारा खान. तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा. तो इंडियन आइडल में आपने वो अपने सेलिब्रिटी जजेस यानी सोनू निगम जी एंड अनु मलिक जी के सामने वो कौन सा गाना गाया था जो आपको बहुत ही इंस्पिरेशनल लगा? मैंने गाया था ए जिंदगी गले लगा ले. सुरेश जी का सुरेश वाड़कर सदमा फिल्म का. वो गाना मैंने गाया था. मैं आपको आके सुना सकता हूँ. जी जी बिल्कुल सुनाइए इरशाद. हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया. हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया. तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी. ला 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 ला. तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी. ऐ जिंदगी गले लगा ले. हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है. ऐ ना ऐ जिंदगी गले लगा ले. हो गले लगा ले. हो गले लगा ले. ब्यूटीफुल विशाल. इतना अच्छा आप गाते हैं. तो आप बताइए अभी आपकी जो गाने हैं बॉलीवुड में कौन से आपने प्रोजेक्ट किए और कौन से आने वाले हैं हमारे श्रोताओं के लिए हमारे शेयर कीजिए. मैंने नॉन फिल्मी म्यूजिक इंडिपेंडेंट म्यूजिक काफी किया है. प्लेबैक एक फिल्म 2016 द एंड जो लास्ट ईयर रिलीज हुई थी उसमें एक मेरा सॉन्ग था. हिंदी फिल्म थी बट इट वाज अ पंजाबी. The lyrics were Punjabi. Okay. Tenu takda rava, tenu takda rava. उसमें Kiku Sharda और Devendu Sharma, Priya Banerjee और Harshit Chopra ये cast थे and it was directed by Deepak Chopra. Okay. Jaideep Chopra. Sharin Chopra. Okay.
जयदीप चोपड़ा. तो ये गाना था पंजाबी था, इट वॉज अ रोमांटिक सॉन्ग एंड इट वॉज अ सोलो सॉन्ग सन बाय मी. मैं सुना सकता हूँ आपको? जी जी सुनाइए जरूर. तेनू तक दारवा, तेनू तक दारवा, तेनू तक दारवा, दिन रे तेनू वेख केंद मैं, तेनू वेख केंद मैं, तेनू वेख केंद मैं, तक दारवा तेनू अख दारवा, अख दारवा, ओ दिन रैन तेनू जप दारवा, जप दारवा, ओ दिन रैन तेनू तक दारवा, तेनू तक दारवा, तेनू तक दारवा, ओ दिन रैन. ब्यूटिफुल, वेरी गुड विशाल जी. हम दुआ करते हैं कि आपकी ऐसी ही जिंदगी में जिस तरह आपकी आवाज़ में मिठास है, उसी तरह आपकी जिंदगी में भी उतनी ही मिठास बनी रहे और हमेशा आप खुश रहें और सक्सेसफुल रहें. और चलिए एक बिफोर आई वाइंड अप, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने किसी से नहीं पूछा. सिंस यू सेड दैट आप रफ़ी जी के बड़े फैन हैं, वो आपकी इंस्पिरेशन है, वो सो इज़ माई इंस्पिरेशन टू, तो मैं आपसे वो पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप मेल सिंगर है, क्योंकि मैं फीमेल से नहीं पूछ सकती ये बात. आपने इतने सारे गाने रफ़ी साहब के सुने, मोर देन 12,000 सॉन्ग्स ये संग, तो उसमें से ऐसा कौन सा गाना कभी आपने कभी सोचा कि ये गाना अगर मुझे मिलता तो कितना अच्छा होता, वो कौन सा गाना है और हमें भी वो दो लाइन सुनाइए जरूर. ओके, एक गाना है जो मुझे, ऐसे तो रफ़ी साहब के सारे गाने, मैं क्लासिक बोलूँ या कोई गजल बोलूँ या ठुमरी बोलूँ या रोमांटिक बोलूँ, सब गाने अच्छे हैं. मतलब ही इज अ इंस्टीट्यूट. बट एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है उनका, वो क्योंकि जब रफ़ी साहब का नाम लेती तो मैं फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं कौन सा गाना सोच रहा हूँ. अच्छा, ऐसे हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वो भी अच्छा है. उनका अगर आप पहली नंबर देखिए तो बदन के सितारे, वो भी है. जी जी, गुलाब यहाँ के हैं. एक गाना जो है मुझे बहुत पसंद है, अभी ना जाओ छोड़ के, बहुत अच्छा लगता है. जयदेव का कंपोजिशन. यस. ओके, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा संभल तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लो, नशे के घूंट पी तो लो, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं, नहीं 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 नहीं. ब्यूटीफुल, मतलब इस गाने को सुनने के बाद हमें भी यही कहने को मन कर रहा है कि अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, आपकी आवाज़ के गीतों को सुनकर विशाल जी. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा गाते हैं आप. और तो वाइंड अप करते हैं, तो आप इस आज की, आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे के दिन आपकी ये इंटरव्यू करें, तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपकी इंडिपेंडेंस डे, आपको इंडिपेंडेंस डे की विशेष करती हूँ
और आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि मंथ ही आज़ादी का मंथ है, क्योंकि इस महीने हमारी दो देशों का इंडिपेंडेंस डे है, 14th को पाकिस्तान और 15th को इंडिया इंडिपेंडेंस डे। तो आप कुछ आजकल की इंडिया, डिजिटल एज इंडिया कह रहे हैं, या वर्ल्ड के बारे में कोई भी, जो अपने श्रोताओं को कोई इम्पोर्टेंट सोशल मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मैं यही देना चाहूंगा कि हम इंसानियत का धर्म पहले अपनाएं, हम सारे आवाम एक दूसरे से बस ऐसे ही प्यार करें, और संगीत से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि संगीत की कोई सीमा नहीं होती और संगीत एक दूसरे को जोड़ता है। कि हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट को भी सुनते हैं और पाकिस्तानी लोग हैं, ऐसी कोई फिल्म नहीं होगी, ऐसे कोई एक्टर्स नहीं होंगे या ऐसे कोई सॉन्ग्स नहीं होंगे जो वहाँ वो लोग गाते होंगे। तो इट इज जस्ट द बॉर्डर, और हम यही सोच रखे आने वाली पीढ़ी भी, आने वाली बच्चे, आने वाली सारी नस्लें, हर कोई बस यही दिमाग में सोचे कि हमको प्यार का धर्म, इंसानियत का धर्म अपनाना है और एक दूसरे से मिलके बस शांति से और अमन से और पीसफुली एक दूसरे को साथ लेके हमें चलना है। तो यही मेरा एक मैसेज सबके लिए होगा। थैंक यू वेरी मच। आप बोलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच विशाल, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम इतनी रात, इंडिया के टाइम, इंडिया लेट नाइट में आप हमें इतना टाइम निकाल के इंटरव्यू दे रहे हैं हमें, थैंक यू वेरी मच। एंड श्रोताओं, यही है मिस्टर विशाल कोठारी सून, और भी बॉलीवुड इनके सारे गाने हम आपको जितने भी हैं दो, ये हमारे प्रोग्राम में जितने भी थोड़े बहुत गाने हम सुनाएंगे, और ये प्रोग्राम आप ज़रूर देखिए और हमें बताइए ये प्रोग्राम कैसा लग रहा, कैसा लगा आपको। विशाल जी, विश यू ऑल द बेस्ट, जैसा आपका नाम है उसी तरह आपकी तरक्की भी बढ़ती रहे, विशाल जैसे बोलते हैं पंछी गगन विशाल। थैंक यू, और मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका और हमारे सारे जो भी लिसनर्स है, व्यूअर्स है, कि आपने इतना टाइम निकाल के मुझे सुना, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और जल्दी जब मेरा आना हो कनाडा, वैसे मैं कनाडा एक बार आ चुका हूँ ऋचा शर्मा के साथ, इन ओटवा फेस्टिवल, जैज फेस्टिवल, परफॉर्म देयर विद ऋचा शर्मा एंड बीन टू टोरंटो एंड ओटवा। तो अगेन जब भी मौका मिलेगा डेफिनेटली हम म्यूजिक से एंटरटेन करेंगे और सभी लोगों को, और बस इसी तरह आप दुआएं देते रहना और इसी तरह प्यार करते रहना। थैंक यू, जरूर, थैंक यू विशाल, थैंक यू वेरी मच, see you soon and aise hi all the best, keep growing and wishing you all the best for every success, thank you। to do shrotao ye tha beautiful guftugu hamare melodious bollywood playback singer and indian idol sare gama pa fame vishal kothari jinke sath humne guftugu ki aur unki khoobsurat melodious awaaz mein कुछ गाने भी सुने। तो ये था उनकी स्ट्रगल और उनकी जो कामयाबी का राज जो उन्होंने खुद के अपनी ज़ुबानी हमारे साथ शेयर की। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छा मैसेज मिलता है ऐसे एक मतलब इस तरह के लोगों से जब हम मिलते हैं जो अपनी कामयाबी खुद हासिल करते हैं अपनी मेहनत से, वो यही मैसेज देते हैं कि आप अगर अपने मंजिल में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले फोकस्ड रहिए, पहले अपनी अपनी टैलेंट को पहचानिए और अपनी रुचि को पहचानिए कि आप किस में रुचि रखना रखते हैं, और उसको उसी पे काम कीजिए। और जिस सबसे बड़ा जो सक्सेस का राज होता है वो पैशन, मतलब होता है कि एकेडमी, वो लर्निंग स्किल्स सबसे ऊपर जो होता है ना, वो पैशन, वो चाह, वो पाने की चाह जो होती है वही आपको उस चीज़ के करीब लेके जाती है। बोलते हैं ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको जोड़ने में लग जाती है, और ये सच बात है। यही हमने आज अपने विशाल जी से सुना। तो आप भी अपने लाइफ में इसी तरह कुछ ना कुछ अमल करने की कोशिश कीजिए, पहले अपने आप को पहचानिए, अपने टैलेंट को पहचानिए, अपने पैशन को पहचानिए, फिर अपने काम में आगे बढ़िए, मंजिल और सक्सेस दोनों आपके साथ होगी। तो चलिए, अगले हफ्ते एक और रंग, एक और मेहमान और एक और नए थीम के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। रंग तरंग माह के संग देखना न भूलिए। नेक्स्ट वीक, सी यू नेक्स्ट वीक।